और भी भी कोई पूछना मैं मेरा सवाल यह है कि ना मेरे ना, आप करीब मेरे ना पहले एक बेटी बड़ी हुई है उसके बाद अल्लाह ने मुझे क्या चीज बेटी मेरी ना एक हो गई थी तो उसके बाद अल्लाह ने मुझे हमल किया था बेटा हुआ था मेरा आठ महीने तक मुझे पता उसका था कि वो बिल्कुल ठीक है लेकिन जब वो पैदा हुआ तो उसकी कमर पे ना फोड़ा था एक दिन जिंदा रहा वो फोत हो गया तो उसके प्रेगनेंसी में ऐसा हुआ कि हम किसी शादी में जा रहे थे तो रास्ते में से ना हमारा गुजर ना कब्रस्तान की तरफ हो गया सड़क ब्लॉक हो गई तो हमने साइड से निकाला तो रास्ते में कब्रस्तान आया था तो उसके बाद अल्लाह ने बेटी की नमत से भी नहीं नवाजा बेटियाँ हुईयाँ एक हमल फिर बेटे का हुआ था वो भी ज़ाया हो गया तो किसी अहल हदीस बुजुर्ग से ही पूछा था वो यही कह रहे थे कि आपके रहम शैतान ने लात मारी हुई है जादू के शायद असरात हैं बीबी ये जो जादू वादू के चक्कर में जादू है उसका उसको कहने की बजाय वो आपका इलाज बताए मैं उस मालज को खाइन कहता हूँ जो आपको दुखी करता है मुझे समझ आती है मैं समझ जाता हूँ मैं मरीज़ को देखता हूँ अल्लाह की तौफीक से उसके नाखून देखता हूँ अपने तजर्बे से मेरा तजर्बा गलत भी हो सकता है मेरा क्यास गलत भी हो सकता है लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह एक्सपीरियंस से मैं देख के मुझे पता चल जाता है कि इस बंदे को क्या है लेकिन मैं उसको नहीं बताता मैंने उसको खुश करना है रिलीफ देना है अब देखें जादू एक ऐसा लफ्ज़ है कि सच्ची मुची किसी को कह दो ना अब मुझे इधर लाहौर से ये बीबी शायद वो आई हो मेरे पास आई मोबाइल खोल के मुझे बताती है सरफी साहब ये कि ये तवीज़ है मैं आपको फार्मूला बताने हूँ इन चीज़ों का तोड़ बताने हूँ वो तवीज़ उसने तस्वीर खींची हुई कहती मेरे शोहर को मसला था उसको उसका दोस्त हालांकि हम इन चीज़ों को नहीं मानते उसका दोस्त किसी के पास मुझे ले गया उसको लेकर गया तो जैसे ही वो उस पर बैठा उसने कोई ऐसा अमल किया एकदम एक मट्टी की धूल सी उड़ी है तो उसके सामने ये आकर तवीज़ गिर गए अच्छा ये गिर गए उसके बाद ना मेरा शोहर आया तो तीन दिन से कमरे में बंद है बाहर ही निकला बीमार हो गया है ठीक अच्छा मैंने उससे पूछा बीबी ये कैसे हुआ पहले तो कहती ये तवीज़ निकले हैं जब मुझे क्योंकि मैं तो जानता हूँ ये खबीस क्या करते हैं ये शोबेबाजी करते हैं लेकिन आप देखते हैं ना सोशल मीडिया पर वो तो बंदे को काट भी देता है हैं आधा धाड़ उधर आधा उधर ऐसा हमने देखा है ना हवा में उड़ रहा है पानी पे चल रहा है ये जादू है या ये शोभेबाजी होती है और शोबदा झूठ को कहते हैं ना धोखा देना अब ये बदबक जो क्या करते हैं जब आप घरों में ये बुलाते हैं ना इन लोगों को इनमें हंड्रेड परसेंट ये हराम दादे झूठे होते हैं अपने उससे अब अप घर से तवीज़ निकाल देंगे शोभेबाजी करेंगे अपने आप की बुरका पकड़ा खाली आज ये देखो कुछ नहीं है ये ये तवीज़ आ गया है अब हमारा ईमान तो गया ख़त्म हो गया अब उसने आपके दिमाग को पकड़ लिया अब मैंने बोला बीबी तवीज़ तो निकला तो उसके बाद तुम्हारा शोहर जो है बीमार हो गया हालांकि जब जादू ऑन हो जाता है निकल आता है तो उसके बाद तो बंदा ठीक हो जाता है हैं कहती पहले उसने पैसे नहीं लिया अब वो कह रहा है कि पहले पच्चीस हजार दो फिर इतने बकरे दो मैंने बोला उस बदबक ने तेरे खामद को अपनी जबान से असर किया ये तो उसने शोभदा दिखाया जैसे भी अब सामने आ गया था है? उसके बाद उसने उसके जेन में डाला कि बस तू से मर जाना हो तेरा तो कारोबार तबाह हो गया तेरी तो बीवी नस जाएगी है जी अब वो उसका दिमाग उसने बना दिया उसने दिमाग पर ले लिया वो बीमार वो पहले था परेशान वो पहले था अब उस बदबक ने उसको परेशान कर दिया अब वो लेट गया हालांकि जादू का असूल क्या है नबी पर पलसन पर जादू हुआ जब जादू निकला आप ठीक हो गए दरबन के कुएं से जादू लाया गया उस पर पढ़ा उसको असर ख़त्म किया आप सल्सन ठीक हो गए जादू का असूल है कि जब वो सामने आ जाता है तो वो ख़त्म हो जाता है और कुछ जादू हैं जो नहीं सामने आते लेकिन अल्लाह की कलाम से उसका असर ख़त्म हो जाता है ये मेरा ईमान होना चाहिए ए बाहर लोग कहते हैं जी जादू का इलाज जादू से होता है और बद बदबकतो सालमो हक आता और बातल मिट जाता है ये बातें कह मुसलमान भी इतना कमजोर हो गया नहीं जी नहीं जादू का तौर क्योंकि लोहे लोहे लो नट दें ना तो हमारे लिए तो नबी की से बढ़कर दलील कौन सी है आप पर जादू किया यहूदियों ने और आपको शिफा किससे हुई फलकनाथ से बिस्मिलकी का मिनकुल रैन योदी का यह जिब्राइल ने पढ़ा दम अल्लाह ने शिफा दे दी ये क्या मत के लिए पूरी उम्मत को इजाजत है लेकिन मैं जो हूं मैं नहीं करना क्योंकि मैं वो नहीं हूं वो बनो ना तुझे किसने रोका है हैं छोड़ो ना ये सारी बुराइयाँ अल्लाह मदद करेगा तुम्हारी तो इसलिए ये बातें जो हैं ये मैं इसलिए बताता हूँ कि अल्लाह तुम लोगों को आजमाशें आती हैं लेकिन सब्र से बेसब्री में बेसब्री में तुम्हारे काम ख़राब होते हैं देखिए अल्लाह से बढ़ कर कौन है क़ुत वाला अल्लाह क्या कहता है इस बात को आप समझें अल्लाह फरमाते हैं वज़ करून या तुम मुझे याद रखो मैं ये अल्लाह कह रहा है ना तो अल्लाह को याद रखना क्या है तस्वीर पकड़े सुबह अल्लाह सुबह अल्लाह अल्लाह को याद रखना है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ अल्लाह मुझे देख रहा है सुन रहा है नोट कर रहा है इसको अल्लाह को याद रखना मैं किसी को धोखा दे रहा हूँ अल्लाह को याद रख रहा हूँ कि ये धोखा मैं अपने आप को दे रहा हूँ ये है अल्लाह को याद रखना वो तो तस्बीह है वो अल्लाह की सफात अल्लाह की सिफत है अल्लाह की तस्बीह है जो मैं बयान करता हूँ जो पढ़ रहा हूँ लेकिन अल्लाह को याद रखना यह है कि मैं जो कर रहा हूँ मेरा अल्लाह उसको देख रहा है मुझसे अल्लाह इसका पूछेगा मैं इससे बचना है कि अल्लाह ताला मुझे ऐसा अमल करवा दे कि जिससे मैं सवाल तू करे और मैं जवाब दे सकूँ नाउज बिल्ला अल्लाह बगैर हिसाब क्या मैं ले जाना ये इस फिक्र में रहो तो इसलिए मैं ये बहनों को बेटियों को यही कहता हूँ कि सब्र से वज़ करू वशकुरूनी बुलाता फुरु यही है अल्लाह कह रहे हैं ना कि जिस मर्जी हाल में भी हो शुक्र करो न शुक्री कुफर है अप से नीचे वाले को देख लो अगर टांग ख़राब है तो उस दो टांगों वालों को देख लो अगर कुछ मसला है तो उसको देखो जो इससे भी बदतर है ए फिर जब तुम न शुक्री करोगे तुम कुफर में आ जाओगे फिर आगे अल्लाह कहता है हाँ अगर तुझ पर कोई आ गई आजमाइश आ गई तो फिर क्या करो या यदीना आमुस्तिन ये कौन बता रहा है अल्लाह का फार्मूला ये जो बेसब्री ये है कि मौलवी साहब तो कुछ करो मैं नहीं कुछ कर सकता तु कुछ करो वो आगे कहता फिर तीन बकरे लेके आ न फिर तेरा मैं स्यापा करता हूँ ए सब्र सब्र नमाज से अल्लाह कहता है मैं मदद करूँगा तो अल्लाह से बढ़कर कर वादा पूरा करने वाला है अल्लाह क्या कहता है अल्लाह से बढ़कर वो वादा कर रहा है लेकिन बेसब्री है बेसब्री में हम बर्बाद कर लेते हैं अपने आप को अब नबी सल के पास जो औरत आती है वह असेबजदा है ना वो कहती है ना यार नजर आता है मुझे दौरा पड़ जाता है तो आप सलम क्या फरमाया हमने तो उसको लिखा ना मिर्गी वाली औरत आई थी वह असेबजदा औरत थी आपने उसको क्या फरमाया अगर तू इस बीमारी पे सब्र करेगी तो अल्लाह तुझे जन्नत देगा सब्र है ना तो ना अल्लाह भी कह रहा है कि सब्र से मदद मांगो तो क्या अर्ज की वसल्लम आप ये दुआ फरमा दें कि जब मुझको दौरा पड़ता है तो अल्लाह मेरी हयाह को डांपे रखे। ये है अब इससे मैंने जो मेरा अपना एक्सपीरियंस है मैंने इब्ने कईम को बाद में पढ़ा लेकिन मेरा अपना तजर्बा हो चुका था कि ये बीमारियाँ ये जो असेब ज्यादा बीमारियाँ ये सब्र से जाती हैं बेसब्री से नहीं जाती तो इसलिए इसमें जो बेसब्री है कि जी फलां पीर को जाओगे फू करेगा तो सारे ठीक हो जाएंगे उसके अब्बे का राज है हैं? वो तो तुम्हारा गुमान तुम्हें अल्लाह से इतना दूर कर देगा एक कागज़ के टुकड़े पर कि ये लो बीबी ये सारे में बांध लेना ये अब जैसे ये बीवी बीमारी बता रही है ना इसको इथराज का तकलीफ़ तिक, है अब इसको कोई तवीज़ अला कहेगा कि ये कुरान की आयत दिखो ये पट पर बांध देना ये नाप से नीचे बांध देना अब कुरान की ये इज़्ज़त हो रही है वो तवीज़ देगा इसका इलाज इलाज है कुरान है सूरज शम्स पढ़ो अजवैन काली मिर्ची हैं वो खाओ ठीक है अपना जो जरूरत जस्मानी ज़रूरत मियाँ बीवी की है उसमें वो दवा पढ़ो अल्लाह ठीक कर देगा नहीं? ये क्या है मामूली सी बातें हैं जो हम दे... ये तो दुआएं हमें इसलिए सिखाई गई ना इसलिए सिखाई गई कि हमें शैतान से अल्लाह महफूज रखे जब कुरान कितना बड़ा अमल है सबसे बेहतरीन कायनात में जो अमल है वो कुरान का पढ़ना और पढ़ाना है फिर भी अल्लाह कहता है फ़ायदा करातल कुराना फ़स्ताज़बीशानदी कि जब तुम कुरान पढ़ने लगे तो अल्लाह की पनाह में आ जाना शैतान से ये कुरान पढ़ने से भी आदमी के ऊपर हमला कर देता है ये याद रखना और जब तक तुम सुबह शाम के असकार नहीं करोगे ये तुम्हें नहीं छोड़ेगा ख़ास कर ये जो तुम बैठी हो कुरान का काम करने वाली ये सबसे ज़्यादा दुश्मन तुम्हारा है मेरे पास जब वो बच्ची बच्चे आते हैं ये आ, आलिमा होती हैं मदरसों की पढ़ने वाली ज़्यादा होती हैं तो इनका आंखें चली जाती हैं एकदम बहरी हो, हो जाती है हो जाती हैं पेट की तकलीफ़ हो जाती है अब डॉक्टर लगे रहते हैं अल्लाह का शुक्र है आते हैं मरीज़ चाहे न बिजना क्यों ना हो गया हो शिफा तो अल्लाह के पास है अल्लाह उधर ही ठीक कर देता है।